हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये सुंदर सा नेक जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। बिगनर्स तो इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस नेक को बनाना। यहाँ पर हमने बुकरम लिया है जिसे हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर आपने बुकरम कितनी लेनी है, 4 इंच ली है मैंने बुकरम और 6.5 इंच बुकरम लिया। जितनी आप लेंथ पहनना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लेंथ लेंगे और विड्थ आपने जितनी पहनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें विड्थ भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया है 3 इंच, यहाँ पर हम लेंगे 3 इंच। अब यहाँ पर मैंने नेक लिया है 5.5 इंच। इससे बड़ा नेक पहनना चाहते हैं तो आप बुकरम को बड़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 इंच फिर लिया और यहाँ से इसे सीधी लाइन कर देंगे। ऊपर से हमने लेंगे 4 इंच, 4 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 1.5 के आसपास बचा है, तो अब आपने क्या करना है, ऊपर से लेते हुए यहाँ पर आपने इस तरीके से शेप देनी है और इसको आपने 1 इंच या 1.25 इंच लेते हुए आपने इसको इस तरीके से गोलाई में घुमाना है। अब साइड में हम मार्जिन लेंगे। मार्जिन आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 1/2 इंच भी ले सकते हैं, जितना आपको लगे उतना आप उसमें ले सकते हैं। और यहाँ पर हम इस तरीके से शेप दे देंगे। ये देखिए इसे अब हम कट करेंगे। गोलाई में घुमाते हुए इसको भी यहाँ पर हम कट कर लेंगे, साइड में से कट करेंगे। आप इसे 1/2 इंच भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 1 इंच लिया आप इसे 1/2 इंच भी ले सकते हैं मार्जिन के लिए। ये नेक कटकर यहाँ पर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम लेंगे कपड़ा। यहाँ पर मैंने सूट के मैचिंग का कपड़ा नहीं लिया, अलग से कपड़ा लिया। सूट के मैचिंग का कपड़ा मेरे पास नहीं था तो यहाँ पर मैंने अलग से कपड़ा लेकर इस पर जॉइंट लगाकर इसे मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया। ये देखिए, अगर आपके पास पेस्ट की बुकरम है तो आप उसे पेस्ट भी कर सकते हैं। साइड से 1/2 इंच लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इसे हमने कट कर लिया, अब आपने इसे फोल्ड कर सिलाई लगानी है। ये देखिए फोल्ड करते हुए इसे हमने सिलाई लगाई। अब सेंटर लेंगे, यहाँ से भी हम सेंटर का निशान लगाएंगे या इसे इस तरीके से कट भी कर सकते हैं। कुर्ती में भी हम सेंटर का निशान लगाएंगे। सेंटर का आपने ध्यान ज़रूर रखना है, नहीं तो नेक जो है वो हमारा ठीक नहीं बनेगा। सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे। ये देखिए बिल्कुल आपने सेंटर से सेंटर को इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, अब यहाँ पर आप बीच में सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर आप इस तरीके से पिन से इसे सेट कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर पिन से सेट कर रेडी करूँगी। अब आपने सिलाई लगानी है। सिलाई देखिए आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से जो भी शेप होगी आप उसने इसी तरीके से बुकरम के पास पास सिलाई लगानी है। अगर आप बुकरम के पास पास सिलाई नहीं लगाते हैं तो हमारा नेक सही नहीं बनता है और फोल्ड होने में भी दिक्कत आती है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर आपने सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी है। देखिए बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए आपने कपड़े को तब घुमाना है तब नीडल हमारी मशीन के अंदर होगी, तभी आपने कपड़े को इस तरीके से घुमाना है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ये देखिए इस पर इसी तरीके से साथ साथ सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए आपने 1/2 इंच लेंगे और 1/2 इंच लेते हुए पूरे नेक में इसी तरीके से कटिंग करनी है जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए अब इसे राउंड से कट करेंगे, ऐसा ही हम यहाँ से कट कर इसे रेडी करेंगे। इसे हमने कट कर लिया है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपने इस तरीके से नॉचेस देने हैं। ये देखिए कट लगाने हैं। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने इसे फिंगर से फोल्ड करते जाना। ये देखिए ऐसे और इसके कॉर्नर आपने नीडल से इस तरीके से निकालना है। ये देखिए जिससे आसानी से निकल जाता है, नीडल से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं इसके कॉर्नर। फोल्ड करते जाएंगे और नेक को हम सेट करते जाएंगे। ये देखिए और फिर इस पर हम आयरन कर इसे रेडी कर लेंगे।
ये देखिए कितनी आसानी से ये रेडी हो जाता है। अब इस पर हमने आयरन कर ली है, यहाँ पर नेक बनकर फ्रेंड्स हमारा रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से नेक बना सकते हैं। आप इस पर हेमिंग कर इसे रेडी कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।